बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज देखिए मौसम कितना मज़े का है, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है, तो सोचा कि बच्चों को लेके चलते हैं थोड़ी देर पार्क में। तो आ जाएं जी आप भी हमारे साथ। कहाँ जा रहे हो? कौन सा फ्लेवर पसंद है आपको लेस का? हम मुझे लगता है कि चिप्स का सबसे अच्छा फ्लेवर लेस का ये होता है। मुझे भी लगता है। चिली कौन सा पसंद है आपको? चिली नहीं है। आपको ये अच्छा लगता है? फ्रेंच चीज। ये कुछ पुरानी सऊदीया की सौगातें जो कि हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, और ये सब वो चीज़ें जो सिर्फ सऊदीया में मिलती हैं, जैसे कि ये रिको, इवन मैं भी बचपन से खा रही हूँ। ओरियो तो खैर हर जगह पे होता है, और इनकी ये वाली सैलेड चिप्स ये भी बहुत ही पुरानी, आई थिंक मैंने बचपन से ये खाई, और ये और कहीं नहीं मिलती, सिर्फ सऊदीया में ही है। और जैसे इनका ये वाला जूस, ये भी सिर्फ और सिर्फ सऊदीया में ही है, और आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ये जिस कंट्री में भी आप रहते हो ना, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको और कहीं नहीं मिलती, वो वहाँ की स्पेशलिटी होती हैं। तो यहाँ पे भी क्योंकि पूरा बचपन गुजारा है, तो एक पूरी सारी वो हैं यादें जो कि और हमें लगता है कि और कहीं पे नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ इधर ही मिलती हैं। वो सेम ही है। और ये भी वही वाला फ्लेवर है उसमें, हाँ। इसमें ऑरेंज, ये मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे किंडरगार्टन में, उस वक्त हम लोग ये लंच लेके जाया करते थे, हाँ। तो यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सऊदीया में ही मिलेंगी। जो भी लोग सऊदीया छोड़ गए उनको यकीनन ये सब चीज़ें याद होंगी, यकीनन। हाँ, ये भी इनकी है क्रिस्पी एबीसी वाली चिप्स। जी तो हम लोग आ गए हैं घर पे, बच्चों को लगी है भूख, तो मैं उनको दे रही हूँ बना के फ्रेंच फ्राइज़। तो मैं आपसे भी शेयर करती हूँ रेसिपी, जिससे कि आपकी फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। आपने सबसे पहले आलूओं को अच्छी तरह से धोना है दो दफ़ा, और फिर उनको आपने डाल देना इस तरह ठंडे पानी में। ये मैंने बर्फ़ ऐड की है पानी के अंदर ताकि ठंडा रहे। इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसके अंदर भिगो के रखनी है, फ्रेंच फ्राइज़ जो आपने काटी होगी। और उसके बाद आपने इसको निकाल के पानी फेंक देना है, उसको अच्छे से साफ़ करना है, और फिर हम इसमें लगाएंगे मसाला। अब इसमें मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है,
और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, थोड़ी सी काली मिर्च, और मैं डाल रही हूँ नमक। आप जो भी मसाला चाहिए अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे नहीं खाते ज़्यादा स्पाइसी तो आप खाली कॉर्नफ्लोर और नमक भी ऐड कर सकते हैं, पर मेरे बच्चों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो इस वजह से मैंने इसमें काली मिर्च भी डाली है। और मैं ऐड कर रही हूँ ये थोड़ा सा चाट मसाला, और इसके बाद आप इसको करें फ्राई, और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी, आपको आपके बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। अब इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। बहुत सी दुआओं के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।